भारत ने मालदीव को एक और ऐसा झटका दिया है जिससे मालदीव कई सालों तक नहीं उभर पाएगा, और मालदीव के प्रेसिडेंट का भारत से दूरियां बनाना मालदीव के ऊपर ही भारी पड़ चुका है। और भारत ने मालदीव को इस बार ऐसी जगह पर चोट पहुंचाई है वह कई सालों तक दर्द देने वाली है, क्योंकि अभी तक तो भारत के द्वारा मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाले कुछ फूड प्रोडक्ट पर ही रोक लगाया गया था। लेकिन अब भारत की तरफ से मालदीव के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया जा चुका है जिससे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की रातों की नींद उड़ गई है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मालदीव के खिलाफ भारत के इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, अब मालदीव ने चावल, दाल और गेहूं समेत सभी अनाजों को तुर्की से इंपोर्ट करने का फैसला ले लिया है। यहां तक कि तुर्की के द्वारा मालदीव में चावल, दाल और गेहूं का ट्रांसपोर्टेशन शुरू भी हो गया है, और जो भारत अभी तक मालदीव की मदद करता आया था उसको मालदीव तेजी के साथ भूलता जा रहा है। लेकिन मालदीव ने चावल, दाल, गेहूं और अनाज तो तुर्की से इंपोर्ट करने का फैसला ले लिया, लेकिन मालदीव यह भूल गया कि इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मालदीव चाहकर भी तुर्की और चीन से इंपोर्ट नहीं कर सकता, जिसके लिए चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले उसे कुछ प्रोडक्ट भारत और श्रीलंका से ही इंपोर्ट करना पड़ेगा। और मालदीव में इन्हीं प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ चुकी है, क्योंकि मालदीव ने अपने टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए चीन से कर्जा तो ले लिया, लेकिन टूरिस्ट सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जिन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है वह सभी भारत से ही अभी तक मालदीव में एक्सपोर्ट किया जा रहा था, और अब उसी प्रोडक्ट को मालदीव भारत से सोर्स नहीं कर पा रहा, जिससे मालदीव का टूरिस्ट सेक्टर अस्त व्यस्त हो चुका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीमेंट, स्टील और आयरन की, जिसके लिए मालदीव सदियों से भारत पर ही डिपेंडेंट है, और अब मालदीव ने चीन और तुर्की के साथ हाथ मिला के तो ये भूल चुका है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम चाहकर भी चीन और तुर्की से इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए केवल भारत से ही मदद मांगना होगा। और अब मालदीव में सीमेंट, स्टील और आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ चुकी है। मालदीव में जितने भी होटल और वाटर विला बने हुए दिखाई देते हैं ये सभी भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किए गए सीमेंट की मदद से बनाए गए हैं, और बिना सीमेंट के किसी भी देश में आज के समय में बिल्डिंग और होटल्स को बनाना नामुमकिन है। और मालदीव के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां अब मालदीव में सीमेंट की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ चुकी है, और मालदीव चाहता है कि भारत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मालदीव को सीमेंट एक्सपोर्ट करें, लेकिन मालदीव ने जो भारत के खिलाफ अपने फैसले को लिया है उसका अंजाम तो अब भुगतना ही पड़ेगा। मालदीव हर साल लगभग $7 मिलियन की अकेले सीमेंट ही इंपोर्ट करता है, जिसमें 90% सीमेंट अकेले भारत के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि 10% में श्रीलंका और नेपाल ने मालदीव को सीमेंट का एक्सपोर्ट किया है। यहां तक कि श्रीलंका के द्वारा जो सीमेंट मालदीव में एक्सपोर्ट किया गया है उसमें ज्यादातर भारतीय कंपनियां ही शामिल हैं, क्योंकि श्रीलंका में सीमेंट प्रोडक्शन के लिए भारत की कई सारी कंपनियां अपनी प्रोडक्शन यूनिट एस्टेब्लिश कर चुकी हैं, जहां पर भारी मात्रा में सीमेंट का प्रोडक्शन होने के साथ साथ दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर पिछले एक साल में देखा जाए तो हमने करीब $103 मिलियन के सीमेंट को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया है, जिसमें भारत के द्वारा सबसे ज्यादा श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश को सीमेंट का निर्यात किया गया है। हालांकि देखा जाए तो नेपाल में एक बड़े लेवल पर सीमेंट प्रोडक्शन फैक्ट्रीज है, लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल अपने देश में सीमेंट की जरूरत के लिए भारत पर डिपेंडेंट है, जिसमें पिछले साल भारत से अकेले नेपाल को $16.2 मिलियन का सीमेंट एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि श्रीलंका को इससे भी ज्यादा $72.6 मिलियन का सीमेंट पिछले साल एक्सपोर्ट किया गया है। यानी कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के सभी पड़ोसी देश लगभग पूरी तरह से सीमेंट इंपोर्ट के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है। यहां तक कि भारत की सीमेंट इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में भी डोमिनेट करती है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा फायदा होता है। भारत के द्वारा दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होने वाली सीमेंट कंपनियों में अल्ट्राटेक, एसईसी,
और डालमिया जैसी कंपनियों के सीमेंट शामिल है। जबकि अगर मालदीव में भारत के द्वारा सीमेंट एक्सपोर्ट देखा जाए तो टोटल सीमेंट एक्सपोर्ट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही मालदीव में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन इसी छोटे से हिस्से से मालदीव में उपस्थित सभी होटल्स और वाटर विला बनाए गए हैं। और हमने आपको पहले भी बताया कि मालदीव अपनी टोटल सीमेंट जरूरतों का 90% हिस्सा अकेले भारत से इंपोर्ट करता है। लेकिन मालदीव ने चीन के साथ मिलकर जो गलतियां की है उसके कारण भारत ने भी मालदीव के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया को स्टार्ट कर दिया है। जहां पर बड़ी खबर यह है, इस समय मालदीव भारत से सीमेंट इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसीलिए मालदीव तुर्की और चीन से सीमेंट एक्सपोर्ट करना चाहता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चीन और तुर्की मालदीव को सीमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वैसे देखा जाए तो मालदीव ने खाने पीने का आइटम तुर्की से इंपोर्ट करने का तो फैसला ले लिया, लेकिन मालदीव ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यह डिसीजन मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए कितना ज्यादा भारी पड़ सकता, क्योंकि जहां मालदीव चीन के द्वारा लिए गए कर्ज से अपनी टूरिस्ट सेक्टर को बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए भारत से सीमेंट इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा भारत ने अपनी सीमेंट इंडस्ट्री को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ FTA एग्रीमेंट को भी साइन कर लिया, जिसमें इंडिया और दक्षिण कोरिया के बायलेटरल ट्रेड को बढ़ावा देने की बात की गई है। और इस FTA से भारत को काफी ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसके अलावा भारत ने साउथ कोरिया के अंदर अपने व्हीकल्स के एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने जा रहा है। और आपको मालूम होगा कि इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन मार्केट जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है उससे ग्लोबल मार्केट में भी अपनी जगह को बनाना शुरू कर दिया है, जिसके लिए टाटा ग्रुप ने ऑलरेडी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट को पहले से ही शुरू कर दिया है। और इसके पहले भी भारत और साउथ कोरिया के ट्रेड रिलेशन काफी अच्छे रहे हैं, जिसमें हर साल हम लगभग $7.5 बिलियन के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि कुल मिलाकर एक तरफ जहां मालदीव छोटा सा देश होकर भारत को आंखें दिखा रहा है, वहीं भारत के साथ दुनिया के कई सारे देश अपने ट्रेड को और भी ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत ही नहीं भारत के साथ बायलेटरल ट्रेड करने वाले कंट्री को भी फायदा हो रहा है। आपको बता दें कि इसके अलावा जब से भारतीय टूरिस्ट ने मालदीव जाना बंद किया है उसके बाद से श्रीलंका की टूरिस्ट इंडस्ट्री मालदीव से भी आगे जा चुकी है, यानी कि मालदीव चारों तरफ से पिछड़ता जा रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि इतना सब होने के बावजूद भी मालदीव दोबारा से भारत से मदद मांगने की गुहार लगाएगा या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और मालदीव के खिलाफ भारत के इस नए कदम के लिए वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपनी मित्रों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।